जेसीबी डीजल मैक्स इंट्रोडक्शन। जेसीबी डीएसएल मैक्स इंजन एक चार सिलेंडर डीजल इंजन है जिसमें कंप्रेशन इग्निशन सीआई द्वारा ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है। इंजन चार स्ट्रोक चक्र पर काम करता है। इंजन को इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर द्वारा शुरू किया जाता है। इंजन को इंजन फ्लाईव्हील पर एक पिनियन और दांतों के माध्यम से घुमाता है। जब इंजन चलता है तो क्रैंकशाफ्ट गियर के माध्यम से कैमशाफ्ट को चलाता है। कैमशाफ्ट चार स्ट्रोक चक्र के साथ समय में पुश रॉड्स के माध्यम से इनलेट और निकास वाल्व खोलता और बंद करता है। इंजन में प्रत्येक सिलेंडर के लिए 16 वाल्व, 2 इनलेट और 2 निकास वाल्व हैं। क्रैंकशाफ्ट गियर्स के माध्यम से एक यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन पंप भी चलाता है। पंप चार स्ट्रोक चक्र के साथ समय पर प्रत्येक सिलेंडर में इंजेक्टर या एटमाइजर के माध्यम से ईंधन इंजेक्ट करता है। कैनशेड द्वारा संचालित एक लिफ्ट पंप के माध्यम से ईंधन को ईंधन टैंक से इंजेक्शन पंप तक पंप किया जाता है। हवा इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से इंजन में खींची जाती है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से निकास गैसें बाहर निकलती हैं। सर्बोचार्ज्ड इंजनों पर एक निकास चालित टर्बोचार्जर इनलेट मैनिफोल्ड पर हवा पर दबाव डालता है। एक यांत्रिक स्नेहन तेल पंप क्रैंकशाफ्ट द्वारा गियर के माध्यम से संचालित होता है। पंप इंजन स्नेहन और शीतलन उद्देश्यों के लिए तेल पर दबाव डालता है और प्रसारित करता है। क्रैंकशाफ्ट द्वारा फिर से संचालित एक ड्राइव बेल्ट, एक शीतलक परिसंचरण पंप, ऑल्टरनेटर, रेडिएटर, कूलिंग फैन और अन्य सहायक जैसे एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर को चलाता है।